नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? नलकारी। जनजातीय देवता औतंगा का संबंध किससे है? जिया शिकार से। झारखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लक्ष्मण उराव। सौर्य तथा माल पहाड़िया जनजातियों के बीच स्त्री धन या दहेज को क्या कहा जाता है? तो बंदी। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरही हजारीबाग। 1805 में 23 परगना एवं महलों को मिलाकर झारखंड क्षेत्र में एक जंगल महल का निर्माण किया गया था, उसका मुख्यालय कहाँ था? जी बांकुड़ा, जो अभी बंगाल में पाया जाता है। आगे देखते हैं, किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है और ब्रिटिश व उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? यह संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वो था मेजर बरो। वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार यानी अबू राज की घोषणा की थी, तो वो था भागलपुर वर्धमान। संथाल विद्रोह 1855-56 का दमन किसने किया? तो कैप्शन अलेक्जेंडर ने। राज पुनर्गठन आयोग की टीम झारखंड पार्टी ने अलग राज्य का प्रारूप पेश किया था, उस प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? जी हाँ, उसमें बिहार के 7 जिले, उड़ीसा के 4 और MP यानी मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 अगस्त 1942 का हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? जी हाँ, सरस्वती देवी को, जिसको कि अरेस्ट करके भागलपुर जेल में बंद कर दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में किस तिथि को ताना भक्तों के एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया था? तो वो था 18 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में कहाँ के पुलिस दल ने विद्रोह किया था? जी हाँ, तो रामानंद तिवारी जमशेदपुर से संबंध रखते हैं। रामानंद तिवारी ने मार्च 1942 में कहाँ पर इनकलाबी सिपाही दल बनाया था जिनके 60 सदस्य थे? तो जी हाँ, आंसर वही होगा, जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं, राज पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? 5 फरवरी 1955 को। किसे कोयला नगरी कहा जाता है? धनबाद को। और किसे खेल नगरी कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका जमशेदपुर टाटा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो वो था चैतन्य महाप्रभु। 1782 में हुए तमाड़ विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन थे? तो दर्प नारायण शाह। किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? जी हाँ, मैस्कुलिसगंज। ये आपको रांची से 20 किलोमीटर में पाया जाता है ये गांव, मैस्कुलिसगंज। 1952 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया था? जी हाँ, झारखंड पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह मुर्गा। दामिनेह को, जी हाँ, आपको पता हो कि 1824 में घोषणा की गई थी दामिनेह को की, तो दामिनेह को एक्चुअली है क्या? दामिनेह को संथाल परगना को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करने का एक उद्घोषक था, जिसने 1401 घाघरा यानी कि गुमला जिला में हापा मुनि मंदिर, जो कि विष्णु भगवान से संबंधित है, निर्माण करवाया। तो शिवदास करण ने। तमाड़ विद्रोह कब हुआ? 1782 में। तमाड़ विद्रोह से संबंधित कौन थे? भोलानाथ सिंह। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ स्थित है? गिरिडीह। किसके समय वासुदेव विष्णु की मूर्ति कोरामे में प्रतिष्ठापित की गई थी? तो छत्र कर्ण ने। चलिए, पालकोट अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जी आपको गुमला में। हरिबाबा आंदोलन 1931 ईस्वी के नेता का नाम क्या था? दुका हो। 1857 के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 को विद्रोह किया था? रोहिणी। ये रोहिणी कहाँ पे है? देवघर में है। और मांझी के जमींदार उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 को कहाँ फांसी दे दी गई? जी हाँ, रांची के सरकारी स्कूल में फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ भेज दिया गया था? जी हाँ, अलीपुर द्वार, कलकत्ता जेल है ये। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारी के मुख्य नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह। आगे बढ़ते हैं, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? हो विद्रोह हुआ था सिंहभूम में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से भागने में सफल रहे थे? तो हजारीबाग जेल।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जिले में नजरबंद कर दिया गया था? आपके पहले बताया गया था भागलपुर जेल। मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? ये 1945 में। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 की स्थापना किसने की थी? जे बार्थोलमैन ने। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक कौन थे? जुएल लकड़ा। वही अगर बोलेगा कि 1938 में आदिवासी सभा का किसने किया था, संस्थापक कौन थे, तो वो थे थियोड्रिन सुरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में फिर इसी तरह के 50 क्वेश्चंस और भी लेकर के आऊंगा। तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।